वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक अगेन इन द सोशल साइंस क्लास. सी बेटा, येस्टरडे वी हैव स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर लाइफ इन द डेजर्ट्स एंड द हाफ चैप्टर वी हैव डन एंड इन द हाफ पार्ट वी हैव डन अबाउट द सहारा डेजर्ट, हॉट डेजर्ट. नाउ टुडे वी विल डू द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख. सो लेट स्टार्ट. See, Ladakh is made up of two words, La meaning mountain pass and Dak meaning country. So Ladakh is situated in the eastern part of the state of Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir ke eastern part mein located hai and it is spectacular arid plateau. बहुत ड्राई रीजन है एंड इट इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड के सबसे हाइएस्ट रीजन्स में से आता है. सो मच ऑफ इट इज़ ओवर 3,000 meters. The surrounding peaks rise to towering heights of 7,500 meter and some with glaciers higher up. Surrounding peaks जो इसके आसपास हैं उनकी जो हाइट है 7,500 मीटर तक जाती है. And but the immediate surrounding consists of barren rocks, rugged hills of pink granite with some green valleys in between. So, but इनके बीच में कई immediate barren rocks भी हैं, rugged hills भी हैं, like of pink granite also with some green valleys in between. Now, अब लद्दाख कहाँ कहाँ से see, you can see in the map also, you can see this part, this is Ladakh, pink part of the Jammu and Kashmir, this is called the Ladakh. Now see, Ladakh is bordered to the southwest by the main Himalaya range. जो बेसिकली लद्दाख है कहाँ से बॉर्डर, उसका बॉर्डर साउथ वेस्ट से लगता है हिमालय रेंज से, द ग्रेटर हिमालयाज. ओके, एंड यू कैन सी द ग्लेशियर्स, गंगरी ग्लेशियर, गंगरी ग्लेशियर इन योर बुक एंड द स्नो फील्ड्स ऑफ द हिमालयाज एज यू अप्रोच लद्दाख बाय एन एरोप्लेन, बाय एयर. आप अगर आप लद्दाख जाते यू कैन सी द हिमालयाज रेंज also. So to the north of it and parallel to the Himalayas is the Jhanskar range. Iske northern part mein hai Jhanskar range and the Ladakh range to the north of Leh. Agar hum north of Leh ki baat karte hain, so itself has no major peaks, bahut bade bade peaks nahi hai. You can see the map also, sath sath aapko clearly sab visible hoga. And the altitude in Ladakh varies from about 3,000 meters in Kargil to more than 8,000 meters in the Karakoram. Altitude means height. Ladakh ki vary karti hai 3,000 meters se start hoke Kargil mein, maximum jati hai 8,000 meters tak in the Karakoram. Okay. So it has an average height of less than 6,000 meters and to the north of Ladakh lies the huge peaks of eastern Karakoram range and the Nubra वैली. जो हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न पार्ट में कराकोरम रेंज एंड द नुब्रा वैली. एंड डिड यू नो यू कैन सी द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, के टू. सेकेंड नंबर पे हाईएस्ट पीक है के टू और गोडविन ऑस्टन इज लोकेटेड इन द कराकोरम. ओके, एंड इम्पोर्टेंट पासेज इन लद्दाख आर, जो पास हो रहे हैं, दिस इज जोजीला, जोजीला पास ऑन द वे बिटवीन श्रीनगर एंड लेह, जो क्रॉस करते हैं जब हम वहाँ पर पड़ता है, एंड खारदुंगला on the way from Leh to Nubra Valley, Tag Lang La on the way between Manali and the Leh. So after this, the main rivers जो drain out करती हैं लद्दाख area को, the main rivers draining Ladakh is the river Indus. The Jhanskar river flows in the into the Indus just below Leh and the Suru river. ओके, जंस्कार रिवर कहाँ से फ्लो करती है, इनटू द इंडस जस्ट बिलो लेह के बिल्कुल नीचे से. एंड द सुरू रिवर आल्सो फ्लोज इनटू द इंडस डाउन स्ट्रीम एट कारगिल, जो कारगिल से क्रॉस आउट हो रही है. सो टू द नॉर्थ द रीजन इज ड्रेन बाय द नुब्रा एंड श्योक रिवर्स. नॉर्थ पार्ट में जो रिवर्स हैं नुब्रा एंड श्योक. एंड इन द ईस्ट ऑफ लद्दाख आर लोकेटेड सेवरल ब्यूटिफुल काम लेक्स लाइक द पेंगोंग टिसो लेक, लोकेटेड एट इट्स बॉर्डर विद तिब्बत, इज द हाइएस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन द वर्ल्ड. यू कैन अंडरलाइन दिस लाइन ऑल्सो. ओके, नेक्स्ट इज क्लाइमेट, क्लाइमेट ऑफ द लद्दाख.
पहले हमने लोकेशन पढ़ी, नाउ इट्स द क्लाइमेट. क्लाइमेट, लद्दाख एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम क्लाइमेट, एक्सट्रीमली कोल्ड. द बैरियर ऑफ हिमालयाज हैव बीन द मेन फैक्टर इन मेकिंग लद्दाख अ कोल्ड डेजर्ट. हिमालयन रेंज होने की वजह से जो लद्दाख है कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है. लद्दाख लाइज इन द रेन शेडो एरिया ऑफ द हिमालयाज. ओके, कहाँ लाई करता है? इन द रेन शेडो एरिया. सो द माउंटेन्स डिनाई द एंट्री ऑफ मॉनसून क्लाउड्स टू लद्दाख. सो इन माउंटेन्स की वजह से मॉनसून क्लाउड्स लद्दाख में एंटर नहीं कर पाते. एंड द मॉइस्चर लेडन मॉनसून विंड्स डिपॉजिट देयर मॉइस्चर इन द सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज इन कश्मीर. सो जो मॉनसून विंड्स हैं वो अपना सारा मॉइस्चर कहाँ डिपॉजिट कर देते हैं? इन द सदर्न पार्ट ऑफ द हिमालयाज इन कश्मीर. सो वेन दे क्रॉस रिवर टू लद्दाख टू इट्स नॉर्थ दे आर ऑलरेडी ड्राई. जब ये विंड्स लद्दाख से क्रॉस करती है इसके नॉर्थ पार्ट में आने के लिए, तब तक वो ऑलरेडी ड्राई हो चुकी होती हैं. एंड रेनफॉल इज लेस देन 10 सेंटीमीटर इन अ ईयर. नाउ द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन द विंटर इज द विंटर स्नोफॉल ऑन इट्स ऑन द माउंटेन्स. सबसे जो मेन सोर्स है वो क्या है? स्नोफॉल. रीजन्स लाइक द्रास एंड सुरुवेली, द्रास द सुरुवेली एंड झंस्कार एक्सपीरियंस सो हैवी रेनफॉल दैट दे रिमेन कट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री फॉर सेवरल मंथ्स ऑफ द ईयर. द्रास का जो एरिया है सुरुवेली में एंड झंस्कार, बहुत हैवी स्नोफॉल होता है. एंड इन द विंटर्स में कुछ टाइम पीरियड के लिए ये एरिया पूरी कंट्री से कट आउट हो जाता है. That means वहाँ पहुँचना possible ही नहीं होता. And the melting of the snow and glaciers provides water. जब snow melt होती है and glaciers की, वो water provide करती है to the region through the rivers. Now the summer weather. अब summer का weather कैसा है? Summer weather is dry and pleasant with brilliant blue sky and clear air. Weather कैसा है? Dry है, pleasant होता है, but ब्रिलियंट ब्लू स्काई एंड क्लियर ईयर. क्लाउड्स की फॉर्मेशन नहीं होती ड्यू टू ड्राई रीजन. एंड द टेम्परेचर रेंज इज बिटवीन 25 degrees Celsius ड्यूरिंग द डे एंड 10 degrees Celsius एट नाइट इन द समर. सो इन विंटर द टेम्परेचर गोज डाउन टू -15 degrees Celsius विद हैवी स्नोफॉल इन मैनी एरियाज. इन सम एरियाज टेम्परेचर गोज डाउन टू -35 degrees Celsius. And the amount of oxygen in the air is very low. So at that time, इस एरिया में ऑक्सीजन की अमाउंट भी बहुत कम होता है ऑन अकाउंट ऑफ हाई एल्टीट्यूड, बहुत हाइट में होने की वजह से. एंड द कंडीशन बिकम वर्स ड्यू टू लैक ऑफ वेजिटेशन, और वेजिटेशन भी वहाँ नहीं है. सो इसकी वजह से कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है. सो द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इन दस इवन लोअर देन अदर प्लेसेज. अदर प्लेसेस से अगर हम कंपेयर करते हैं विद सिमिलर एल्टीट्यूड, वहाँ से ज़्यादा प्रोपोर्शन कम है ऑक्सीजन का. सो एज सच टूरिस्ट विजिटिंग द एरिया हैव एक्लीमेटाइज देमसेल्व्स बिफोर गेटिंग इन्वॉल्व इन एनी फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूडिंग साइट सीइंग. दैट मीन्स उन्हें ऑक्सीजन का अरेंजमेंट अपने साथ करके आना होता है बिफोर गोइंग टू लद्दाख. सो एडिड टू इट इज द इंटेंसिटी ऑफ द सन्स इंसोलेशन. The climate is so extreme that a man sitting in the sun with his head uncovered with his foot in the shade may suffer from sunstroke and frostbite at the same time. That means यहाँ का climate इतना extreme है कि अगर एक person धूप में बैठा है, उसका सिर अगर धूप में है uncovered, और उसकी जो पैर हैं छाया में हैं, दे में सफ़र फ्रॉम सनस्ट्रोक. ऊपर से सनस्ट्रोक, उसे फ्रॉस्ट बाइट भी फील होगा. कि जस्ट लाइक अगर हम आइस को कभी हाथ लगाते हैं तो उसके बाद हम हाथ हटाते तो जस्ट लाइक ऐसा लगता है, जस्ट फ्रॉस्ट बाइट जिसे कहा जाता है. सनस्ट्रोक एंड द फ्रॉस्ट बाइट एट द सेम टाइम, दोनों चीज़ें उसे हो सकती हैं. नाउ नेक्स्ट इज नेचुरल वेजिटेशन. सी अबाउट द वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन किस टाइप की है? लद्दाख इज़ ए कोल्ड डेजर्ट. Hence, as may be expected, vegetation is extremely sparse in the Ladakh except along stream beds, river valleys and wetlands where several wild herbs and shrubs can be seen. As the same way, jahan extreme temperature hai, sparse vegetation is there. So, some vegetation is found in summer on high slopes that receive more rainfall. And the Nubra Valley is also known as the Valley of
फ्लावर्स। नुब्रा वैली को वैली ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है, दिस इज़ फेमस एंड इट हैज़ ऑलवेज बीन वेल कल्टिवेटेड एंड फर्टाइल विद द बेस्ट क्लाइमेट इन द लद्दाख। एट दैट प्लेस सबसे बेस्ट प्लेस है घूमने के लिए एंड बेस्ट कल्टिवेटेड एंड फर्टाइल प्लेस। सम स्लोप्स हैव अल्पाइन ग्रासलैंड्स वेयर द लाइव स्टॉक ग्रेज एंड पॉपुलर एंड विलो ट्रीज, ये नेम है ट्रीज के, क्लस्टर अलोंग द वैली, वो वुड ऑफ विलो ट्रीज इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स। विलो ट्रीज की लकड़ी से क्या बनते हैं, बहुत फाइन क्वालिटी के क्रिकेट के बैट्स बनाए जाते हैं। एंड इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन एरिड रीजन, लद्दाख हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स, रॉबिन्स, रेड स्कार्फ्स, फिंचेस, हूपू, द ब्राउन हेडेड गर्ल आर सम माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स आर दोज बर्ड्स जो सीजन के अकॉर्डिंग मूव ऑन कर जाते हैं, फाउंड इन समर। ब्राह्मणी डक एंड द बार हेडेड गूज आर फाउंड इन द वेटलैंड्स थ्रू आउट द ईयर। ब्राह्मणी डक और बार भी वहाँ मिलते हैं इन द वेटलैंड एरियाज। द ब्लैक नेक्ड क्रेन नोन एज थुंग थुंग इन लद्दाखी इज अ रेयर स्पीसीज फाउंड हेयर अपार्ट फ्रॉम इन द तिब्बतन प्लेट्यू। ये रेयर स्पीसीज में आते हैं थुंग थुंग, ब्लैक नेक्ड क्रेन है ये, एंड रावन, रेड बिल्ड को, तिब्बतन स्नोकॉक एंड गोल्डन ईगल आर अदर बर्ड्स फाउंड हेयर। अमंग एनिमल्स द एंडेंजर्स आइबेक्स इज फाउंड इन हाई रग्ड स्लोप्स। एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है आइबेक्स, वो भी यहाँ मिलती है हाई रग्ड स्लोप्स एरिया में। एंड द भरल और ब्लू शीप यू कैन से, शापू ए रेयर गोट, अरगाली और नयन क्यांग और तिब्बतन वाइल्ड एस आर फाउंड इन द वैलीज एंड ग्रास लैंड। चिरू और तिब्बतन एंटीलोप नॉन एज द सोर्स इन लद्दाख इज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड द चिरू वॉज हंटेड एंड किल्ड फॉर इट्स वूल। चिरू जो एनिमल है उसे किस लिए उसका शिकार किया जाता है, फॉर इट्स वूल, नॉन एज शाहतूश एंड प्राइज्ड फॉर इट्स फाइन क्वालिटी। इसकी जो फाइन क्वालिटी की जो वूल है वो अवेलेबल होती है। इट्स सेल इज़ बैन नाउ, अब इसकी सेल बैन हो चुकी है। स्नो लेपर्ड लाइनेक्स वोल्स मारमोट्स आर फाउंड इन हायर एल्टीट्यूड्स एंड द डबल हम्प्ड वाइल्ड कैमल्स आर फाउंड इन नुब्रा वैली एंड डिस्किट। यू हैव टू रीड ओनली दिस टॉपिक। नेक्स्ट इज पीपल, द पीपल ऑफ लद्दाख आर हार्डी एंड स्ट्रॉन्ग विद अ फ्रेंडली नेचर। लद्दाख's first inhabitants were nomadic herders. See, we have read about the nomadic herders who reared yaks in the mountain pastures. Even now, the nomadic khampas and champa of the Rupsu Valley. ये Rupsu Valley है वहाँ पे, वहाँ के जो nomadic khampas और champas जो group है move there with their herds of goats, yaks, cows and dzows. Yak, cow, cross, beard ब्रीड बोलते हैं इसे, इन सर्च ऑफ पेस्चर ड्यूरिंग शॉर्ट समर मंथ्स। एंड याक इज़ द बीस्ट ऑफ बर्डन, मतलब याक ही वहाँ पे जस्ट लाइक हॉर्सेस का काम करता है, सारा जो बर्डन है उसी के ऊपर रख के मूव ऑन किया जाता है। सो इट प्रोवाइड्स मिल्क, बटर, चीज़ फॉर फूड एंड लेदर फॉर टेंट्स ऑल्सो। सो इन स्पाइट ऑफ द हार्श क्लाइमेट, बहुत हार्श क्लाइमेट है वहाँ ड्यूरिंग द शॉर्ट समर सीजन फ्रॉम मे टू अगस्त, द लद्दाख पीपल आर बिजी इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। इन दिस टाइम दे आर बिजी इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी एंड द सॉइल इज थिन एंड वाटर इज स्कार्स। सॉइल बहुत थिन है वहाँ की और वाटर बहुत कम है। सो द फील्ड्स आर केयरफुली टेरेस्ड, जो वहाँ पे फील्ड्स हैं बहुत केयरफुली टेरेस किए जाते हैं। एंड इरीगेशन बाय द सिस्टम ऑफ स्ट्रीम्स एंड चैनल्स टर्म्ड चू एंड यूरा। So these channels funnel water from the melting ice and snow of the mountains to the fields. ये channels के जो funnel waters हैं they are from melting ice and snow of the mountains to the fields. And the principal crop is barley, buckwheat, wheat and recently rice भी product produce किया जाता है वहाँ। With the help of irrigation fruits like apricots, apples, sea buckthorn are grown at lower elevations in the valleys. And apricot and pashmina wool are two items of export from the Ladakh. Ladakh se export hoti hain ye items, two items, apricots and pashmina. Vegetables like beans, peas, potatoes and turnips are grown. Small villages surround the water sports with cultivated peats and they are like oases in the
कोल्ड डेजर्ट्स, कुछ स्मॉल विलेजेस में कुछ वाटर स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं जो ओएसिस का काम करते हैं कोल्ड डेजर्ट में, एंड हाउसेज आर मेड ऑफ मड ब्रिक एंड हैव फ्लैट रूफ्स टू स्टोर टिम्बर एंड ग्रेन। हाउसेज कैसे हैं वहाँ पे, मड ब्रिक्स हैं, मिट्टी और ब्रिक्स से बनाए हुए, और फ्लैट रूफ्स हैं सो दैट वहाँ पे वुड और ग्रेन को स्टोर किया जा सके। सो सिंस 1974 द गवर्नमेंट हैज़ ओपन्ड लद्दाख टू द टूरिस्ट्स, टूरिस्ट प्लेस है, बहुत बेस्ट टूरिस्ट प्लेस, एंड द नेशनल हाईवे कनेक्ट्स लेह टू कश्मीर वैली थ्रू द जोजीला पास। एक नेशनल हाईवे भी बनाया गया लेह से कश्मीर तक जो कनेक्ट होता है थ्रू द जोजीला पास। टूरिज्म हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन द कोल्ड डेजर्ट विद रग्ड वाइल्ड ब्यूटी। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग क्रूशियल रोड लिंक्स हैव हेल्प्ड इन अर्बनाइजेशन ऑफ मेन सेंटर्स। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने के बाद, रोड्स के साथ लिंक होने के बाद, ये एक बेस्ट टूरिस्ट प्लेस बन गया है, एंड इट ऑल्सो अट्रैक्ट्स फॉरेन टूरिस्ट ऑल्सो एज इट इज़ अमंग द फ्यू ट्रांस हिमालयन एरियाज ओपन टू द आउटसाइडर्स। एंड लेह इज लिंक्ड विद दिल्ली एंड श्रीनगर बाय एयर रूट भी कनेक्टेड है विद द दिल्ली एंड श्रीनगर। एंड एडवेंचर टूरिज्म लाइक ट्रैकिंग एंड रिवर राफ्टिंग हैव ऑल्सो डेवलप्ड हेयर। एंड द टूरिस्ट सीजन, बेस्ट टूरिस्ट सीजन लास्ट मेनली फ्रॉम मे टू सेप्टेम्बर, उसके बाद ये टोटली कट आउट हो जाता है, इतना हैवी स्नोफॉल होता है वहाँ पे। एंड इन विंटर द रोड्स गेट ब्लॉक्ड बाई स्नोफॉल, फार्मिंग एक्टिविटीज़ कम टू एट स्टैंड स्टिल, रुक जाती हैं। वीविंग इज़ द मेन इंडोर इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो घर के अंदर रहते हैं सिर्फ और सिर्फ इंडोर एक्टिविटी वीविंग का काम होता है उनका, ऑफ द पीपल ड्यूरिंग दिस टाइम। एंड लद्दाख हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ 2.6 मिलियन पॉपुलेशन है वहाँ की। लेह एंड कारगिल आर टू डिस्ट्रिक्ट्स इनटू विच लद्दाख इज़ डिवाइडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। एंड लेह इज़ द कैपिटल एंड द मेन कमर्शियल सेंटर ऑफ लद्दाख, सो इट वॉज वंस एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑन द सिल्क रूट ऑफ सेंट्रल एशिया। किसी टाइम में सेंट्रल एशिया में सिल्क रूट का वर्क करता था, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था। टुडे ले इज़ एन इम्पॉर्टेंट मिलिट्री बेस ऑफ इंडिया इन द सेंसिटिव बॉर्डर एरिया विद पाकिस्तान एंड द चाइना। पाकिस्तान और चाइना के साथ बॉर्डर लगता है उसका, सो दैट बहुत सेंसिटिव बॉर्डर एरिया भी है। एंड इट इज़ द मेन सेंटर फॉर टूरिज्म ऑल्सो, लिंक्ड बाय रोड एंड एयर टू श्रीनगर एंड दिल्ली एंड बाय रोड टू मनाली ऑल्सो। एंड द मेन रिलीजन ऑफ द पीपल ऑफ द लद्दाख इज़ तिब्बतन बुद्धिज़्म, वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। एंड इन कारगिल पीपल आर मोस्टली मुस्लिम्स। लद्दाखी कल्चर हैज़ ऑल्सो सिमिलैरिटी विद तिब्बतन कल्चर। एंशियंट एंड रिवर्ड गोम्पाज मोनेस्ट्रीज, कॉटन्स स्तूपाज, मनी स्टोन्स एंड मेन थुंगचू प्रेयर व्हील्स आर पार्ट ऑफ स्ट्राइकिंग लद्दाखी लैंडस्केप, ये वहाँ के कल्चर को फॉलो करते हैं। एंड बिल्ट ऑफ मड स्टोन्स एंड रॉक्स द गोम्पाज एंड द पैलेसेज सीम टू राइज आउट फ्रॉम द माउंटेन रॉक्स। सम नोटेड मोनेस्ट्रीज आर द लामायूरू, ओल्डेस्ट है सबसे, अलीची, लिकिर, थिक्सी, शे, हैमिस एंड स्पितुक, ये मोनेस्ट्रीज हैं बहुत फेमस वहाँ पे। एंड द कलरफुल लद्दाखी फेस्टिवल्स आर सेरेमनीज, मोस्ट ऑफ विच आर मोनेस्ट्री फेस्टिवल्स, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फेस्टिवल्स हैं मोनेस्ट्री फेस्टिवल्स हैं, अट्रैक्ट लॉट ऑफ टूरिस्ट। एंड द पीपल आर फन लविंग एंड सिंपल, दे सिंग एंड डांस वियरिंग वेरी ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल ड्रेसेज मेड ऑफ वूल एंड सिल्क, पर्की हैट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी, यू कैन सी इन द पिक ऑल्सो। लद्दाखी पीपल हैव थ्रू एजेस लर्न टू लिव इन हार्मनी विद नेचर, वहाँ के लोग नेचर के साथ बहुत खुश होकर शांति से रहते हैं। एंड दे हैव लर्न टू यूज़ एवरी बिट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल इन दिस हार्श होस्टाइल क्लाइमेट, इतने हार्श क्लाइमेट में भी जो भी रिसोर्सेज उन्हें मिलते हैं उनका बहुत वाइजली यूज़ करते हैं वो। मूव्ड बाय द हार्डशिप ऑफ हिज पीपल एंड इंजीनियर ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट केम फॉरवर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी फॉर द पुअर फार्मर्स, ही इज़ द अनसंग ग्लेशियर मैन ऑफ लद्दाख। सी मूव्ड फ्रॉम द हार्डशिप, एक रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एक पर्सन है, उसने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया फॉर द वाटर स्कार्सिटी इन द फॉर द पुअर फार्मर्स इन द लद्दाख। इन 1992 चीवेंग नॉर्फेल बिल्ट हिज फर्स्ट आर्टिफिशियल ग्लेशियर नियर ले टू क्वाइट अ लो कोस्ट, वहाँ पर उसने एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया है लेह के पास एट वेरी लो कोस्ट। ही यूज्ड हिज लोकल रूरल स्किल्स टू अचीव दिस ग्रेट फीट,
और उसने अपनी लोकल रूरल स्किल्स को यूज़ किया है और इतनी बड़ी अचीवमेंट ली है. सो इस आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स हैव ब्रॉट मोर एंड मोर बैरन लैंड अंडर कल्टिवेशन. वहाँ का बहुत बैरन एरिया अंडर कल्टिवेशन हो गया एंड द एग्रीकल्चर ओरिएंटेड लैंड एरिया हैज़ इंक्रीज्ड बाई 20% ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फ्रॉम आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स. और वहाँ के लोग एग्रीकल्चर ओरिएंटेड हैं, सो दैट्स वाई 20% एरिया इंक्रीज हो गया इन द एग्रीकल्चर पार्ट ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स. सो दिस वॉज योर चैप्टर, नाउ योर सिलेबस इज ओवर. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.